गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। तन्हा बैठकर न देख यूं हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। क्योंकि अब ये जमाना जो चल रहा है इसमें तकदीर भगवान या फिर कोई और नहीं लिखता है, खुद के कर्मों और कामों से ही लिखी जाती है। तो मेहनत करिए, सब कुछ हासिल होगा। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 और ये है साथियों आपका क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथ, मतलब बेसिक मैथ वालों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास। चलिए साथियों, सरल समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, सिंपल इक्वेशन, और इसमें आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पहला जो कह रहा है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है। चर का मतलब जो एक्स वाई जेड होता है, ए बी सी डी, मतलब ऐसे समझ लो ए से लेकर के जेड तक के सभी लेटर चर कहलाते हैं। अचर का मतलब गिनती जो एक से लेकर के अनंत तक होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यक्स माइनस वन इक्वल जीरो है ना साथियों, कह रहा है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। देखो इसमें कोई बहुत बड़ा चरण नहीं लगेगा क्योंकि ये सवाल बहुत छोटे हैं। हाँ, इसमें काम करना है कि जो भी यक्स वाई जेड हैं उनको एक तरफ कर देना है, बाकी गिनती को एक तरफ कर देना है, बस यही चरण है। तो पहले आप यक्स लिखोगे, बराबर लगाओगे, और ये माइनस का वन है दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का वन हो जाएगा, और यही हो गया समीकरण का हल भी। इसमें कुछ हल नहीं करना है क्योंकि ये बहुत छोटा समीकरण है। हाँ, अभी अगले क्वेश्चन से हम जब लेंगे बड़े बड़े समीकरण तब आपको हल भी करने का तरीका सिखाया जाएगा। इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, पृथक करना मतलब अलग करना, साइंस की भाषा में पृथक करना कहा जाता है ना। तो यक्स इक्वल ये वन उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर के दूसरी साइड कोई नंबर ट्रांसफ़र करते हैं तो जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, माइनस के प्लस, प्लस के माइनस। ये देखो थोड़ा सा उससे अलग है, हटके यच नंबर है ये, इसके बीच के जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उनको खुद से आप कर लोगे ना आराम से, ठीक है। तो साथियों इसमें चर पद जो है वाई है, इसको ऐसे लिख दोगे इक्वल, देखो ऑलरेडी इधर माइनस फोर है तो पहले उसको लिख लोगे ससम्मान, ठीक। फिर जो इधर वाला फोर है उधर जाएगा तो ये भी माइनस का फोर हो जाएगा, तो कम्प्लीटली ये दो लाइन में होगा माइनस फोर और माइनस फोर एट होगा तो माइनस का एट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये पहला सवाल है। इसमें के कुछ एक्सरसाइज हम आपको देंगे घर से करने के लिए, उनको आप करना, ठीक ना। चलिए तो स्टूडेंट्स, नीचे चार क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये देखो सी डी और एफ और जी, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप लोग खुद से करोगे, यहाँ ये मत देखना कि सी डी के बाद ई एफ आता है, मैं सीरियल से नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन नंबर वहाँ से लिखा हूँ, ठीक है, कोड है इसका। तो इसको आप खुद से करना इसी तरह के और बताना। इसके बाद अगर आप इसको कर लिए हो तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करके बताइए, फट से तुरंत देर नहीं करिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या फिर वीडियो को स्क्रीन पर टच करके रोकिए और फिर लिखिए, जल्दी करिए, कॉपी में नोट जरूर करिए, अगर अच्छे से पढ़ना है तभी मज़ा आएगा। देखिए अब इनमें थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, दूसरा क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वही करना है। क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यही कह रहा है कि पहले चर को अलग करने वाला, पृथक करने वाला चरण बताइए, उसके बाद समीकरणों को हल कीजिए। तो साथियों इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पहले जो ये चर पद वाला है उसको एक साइड करेंगे और बाकी अचर पद वाला एक साइड करेंगे। तो तीन के साथ में यल लगा है, इसका मतलब ये है कि ये तीन गुणे यल है और इक्वल ये क्या है 42 है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर आप यल लिखोगे इक्वल ये 42, ये 3 इधर मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा मतलब भाग में, तो भाग करोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, यल का मान 14 आएगा, ये उत्तर हो गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है ना पिछला अपेक्षा, मतलब पीछे जो था उससे थोड़ा बड़ा। अगला भी ऐसे करोगे, हाँ इसमें देखो ये भिन्न के रूप में दिया गया है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, तो इसमें क्या करोगे पता है आपको? हाँ, इसमें ये जो 2 है इधर भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। दो तरीका है, मैं दोनों बता रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि आप b को अकेला लिखो 6, और 2 इधर देखो b में भाग के रूप में है ना, मतलब बटे में है, तो उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये 2 यानी कि b बराबर कितना आ गया 12।
ये बात समझ में आई, लिख लो। ये है एक तरीका। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शन फॉर्म के रूप का, जैसे लिखा गया है उस तरह से, उसको भी देख लो, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो, ठीक ना। और हाँ, क्वेश्चन को नोट जरूर करिए, अगर नोट करोगे तब मज़ा आएगा, अन्यथा नहीं। तो देखो अगला, अगला क्या कहता है, अगला तरीका है, पहले तो क्वेश्चन लिखो, बी अपान टू इक्वल सिक्स, इसके नीचे वन छिपाओ, ये भी फ्रैक्शन का फॉर्म बने, क्रॉस मल्टीपल करो, तो बी इंटू वन इक्वल टू इंटू सिक्स, तो क्या आएगा ये, बी इक्वल ट्वेल्व। क्या आप लोग ये सोच रहे थे कि उत्तर बदल जाएगा? मैथमेटिक्स में रूल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर कभी नहीं बदलता है अगर आप सही तरीका लगाओगे तब। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, और तब हम आगे बढ़ते हैं। ये दो समीकरण आपके हल हो चुके हैं, ठीक ना। अगर आप इसे YouTube पर डेमो के रूप में देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि इस तरह से बहुत सारी डेमो क्लास आप YouTube पर देख सकें PBR स्टडी पर। अगर आप इसे ऐप में देख रहे हैं तो नोट्स अवश्य बनाएं और ईमानदारी से 2-3 घंटे हर दिन पढ़ें, जिससे कि आप मैथ सीख सकें। साथियों, मेथड हमने बता दिया, अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने हैं इनको आप खुद से करोगे, ट्राई करोगे, जैसे मैंने बताया सेम वैसे कर लोगे ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। तो भैया कुछ मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा, इसको खुद से कर लेना। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर के जो बचे हुए पार्ट थे। बाकी तीसरे क्वेश्चन पे हम चलेंगे, उसमें भी वही कह रहा है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए, इसके बाद समीकरण को हल कीजिए। दूसरा समीकरण जो है तीसरे वाले क्वेश्चन के जो समीकरण हैं वो थोड़े और भी बड़े हैं, तो आप इन्हें जल्दी से लिख लो, देर ना करो, फिर हम उस पर चलते हैं। जल्दी करिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, देर मत करिए। इनको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपकी प्रश्नावली 4.2 यानी 4.2 का क्लास 7th की NCERT मैथ। इसमें भी वही करना है, कह रहा समीकरण को, चर पदों को अलग करने वाले चरण को बताइए, उसके बाद समीकरण को हल कीजिए। तो चर पद अलग करने का चरण यही है कि जिसमें ये लगा है, मतलब चर पद यानी कि ABCD का कोई भी मतलब साथी, जैसे ए से लेकर के जेड तक का लेटर, उसको एक साइड में कर दो, बाकी गिनती को एक साइड में कर दो अलग अलग। तो यन लगा है 3 के साथ में, तो पहले 3 यन एक साइड कर देंगे, यहीं रहने देंगे, बराबर की जगह पर बराबर लगाएंगे, 46 वैसे लिख लेंगे, ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, बात समझ में आई। दूसरा लाइन में यन इक्वल लिखोगे, इसको दोनों ऐड करोगे तो 48, और ये 3 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कम्प्लीटली इसे सॉल्व करोगे तो यन इक्वल आएगा, आप जानते हो 16 3 जा 48 होता है, तो इसका आंसर यन की वैल्यू जो है वो 16 आएगी। ओके, नोट कर लीजिए, ये है इक्वेशन हल करने का बेसिक फंडा, एकदम बेसिक यहीं से शुरू होता है। वो क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे है, कर लेना, 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा जो कि वहाँ प्लस हुआ था। इधर सी वाला आपको दिख रहा होगा, इसमें भी वैसे करना जैसे पीछे देखे थे आप अभी। तो साथियों, यहाँ पर आप लिखोगे 20p, और ये उधर जाएगा जब जो 3 है, तो इधर मल्टीपल हो जाएगा चूँकि इधर डिवाइड में भाग में है ना, तो इसका गुणा कर लोगे तो यहाँ p बराबर हो जाएगा। चाहे गुणा ना करो, ये 40 × 3 लिख के नीचे 20 लिखो, आपको काटने में आसानी होगी, थोड़ा और इजी हो जाएगा। 20 से काट दो, 20 × 40 तो पी का मान 6 आएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, वो भी कर लेना। एक क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, मैं खुद से बता दे रहा हूँ, 7t + 142 इक्वल -18, इसको खुद से बनाया हूँ, ये भी कर लेना। तो इस तरह से आपका ये तीनों क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, चौथे क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट इसे नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल ना दौड़िए, ना भागिए, ना रुकिए, बस धीरे धीरे चलते रहिए। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसके कुछ पार्ट्स यहाँ पर हम दिए हैं, इनको जल्दी से लिख लो फटाफट और फिर देखो कैसे होता है। जैसे आप अभी तक 3 सवाल में पढ़े हो ऐसे करना है। 10p = 100, यहाँ से p लिखोगे, ये 100 वैसे रहेगा, 10 इधर मल्टीपल में है p के साथ में, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आपको p का वैल्यू 10 आएगा। ओके, वैसे इसको भी कर लोगे सेम टू सेम, यहाँ पर 10p लिखोगे, 100, ये 10 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा,
तो पी इक्वल आपका ये घटाओगे तो 90 आएगा, और ये 10 इधर भाग में जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ से पी का मान 9 आएगा। काट लोगे 10 9 90 ना, तो कितना आसान है। ये एक नंबर क्वेश्चन है, ये नंबर है, इसको खुद से कर लेना। इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चन है, जिनके पास बुक नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख लो 2q = 6 और 2q - 6 लिखो ऐसे स्टार लगा के, 2q = 6 और ये 2q - 6 = 0, इनको खुद से करना। मैं अभी हट रहा हूँ, आपको दिखेगा 3s - 12 = 0। ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल अपना खुद से कर लेना, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना और फिर आगे बढ़ते रहना। चलिए अगला स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, तो हम अगला जो है आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कंप्लीट कोर्स जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहते हैं बेसिक मैथ का, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें और प्ले स्टोर से PBR स्टडी का ऐप डाउनलोड करें। आपको कंप्लीट कोर्स 1 महीने के अंदर उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप बेसिक मैथ 1 महीने के अंदर सीख सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रीमियम क्लास लेना होगा और पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें फ्री में पढ़ना है, तो YouTube पे आप PBR स्टडी सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह की एक क्लास आपको हर दिन मिलेगी, आप वहाँ से देखते रहिए। इसके लिए कोई पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन इस तरह से आपको कोर्स ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, चूँकि भैया एक एक क्लास चलेगी हर दिन, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखना, अगर कोई शिकायत है तो उसे निसंकोच बताना, और PBR स्टडी आपका अपना फैमिली है, तो इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।